हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो पे हम रिएक्शन देने वाले हैं। वीडियो हम देखेंगे, मेजर गौरव आर्या जी की वीडियो है, एक्सप्लेन कर रहे हैं व्हाई इंडिया मस्ट सपोर्ट इसराइल। सो इस वीडियो को देखते हैं, डिफेंसिव ऑफेंस की वीडियो है, होप अच्छी लगेगी। अगर नहीं देखी है तो मिलकर देखते हैं, और अगर देखी है तो भी अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एंड लिंक वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो अगर ओरिजिनल वीडियो देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमास एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, फिर वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इंडियंस की बात कर रहा हूं, दे आर सपोर्टिंग हमास, सेइंग दैट कि भाई कोई ना, ये लोग हिफाजत करते हैं फिलिस्तीनियंस की। इसलिए कल आप बोलेंगे कि जो लश्कर ए तैयबा है पाकिस्तानियों की हिफाजत करती है। दिस इज द काइंड ऑफ लॉजिक दैट इज बीइंग थ्रोन अबाउट। छोड़िए पॉलिटिक्स, छोड़िए हमास, छोड़िए इसराइल, छोड़िए मिडिल ईस्ट की पॉलिसी और इंडिया की फॉरन पॉलिसी। जब हमें जरूरत थी तो सबसे दुश्मनी मोल लेके, अपनों से दुश्मनी मोल लेके, अपनों का अपनों से मुंह भर के इसराइल हमारे साथ खड़ा हो गया था 1971 में, कारगिल में, बालाकोट में, हर जगह। देन बाइंग वेपन एंड बाइंग ऑयल आर टू डिफरेंट थिंग्स, बहुत जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। एंड इसराइल ने तब हमें चोरी छिपके हथियार दिए जब हमारे उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे और अमेरिका ने एम्बार्गो लगा रखा था, सैंक्शन लगा रखा। जैसे ये जंग एस्केलेट हो रही है तो अब टेलीविजन चैनल्स पर वो लोग आ गए जो कह रहे हैं कि अगर आप हमास के खिलाफ हैं आप कम्युनल हैं, आप एंटी मुस्लिम हैं, जबकि इनका कोई लेना देना ही नहीं है हमास के। तो 90% ऑफ द अरब कंट्रीज आर अगेंस्ट हमास। हम तो क्या एंटी मुस्लिम या प्रो मुस्लिम होंगे, हमें तो मारो गोली। सऊदी अरब का बस चले तो हमास के हेडक्वार्टर के ऊपर कल बम गिराएगा। इसराइल कहता मार मार के इसको सुअर बना दो, क्या दिक्कत है, बाद की बात है, बाद में देखेंगे। मैं पाकिस्तान टीवी एंकर्स को देखो, मुझे तो इतनी हंसी आती है ना, आई वॉच इट फॉर एंटरटेनमेंट। वो कहता है कि सुनने में आया है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के तैयारे पैलेस्टीन पहुंच चुके हैं और किसी भी वक्त इसराइल को तंबा। ये ऐसी बातें करते हैं, ठीक है। कल इनका प्राइम मिनिस्टर, परसों इनका प्राइम मिनिस्टर चावल की बोरियां लेकर आया था यार। ये बच्चों वाली बात है। दीज पीपल नो जीरो अबाउट जियोपॉलिटिक्स। ये ट्विटर पे आके ना दे कीप ऑन वॉमिटिंग नॉनसेंस, आई डोंट टेक देम सीरियसली। इनको कुछ पता ही नहीं है। हमास वालों के दुबई में, कतर में बहुत बड़े बड़े महल, दुबई में तो एनीबॉडी कैन डू, कतर में दे आर हैविंग अ बॉल ऑफ अ टाइम। आप हिजबुल्ला देख लीजिए, हिजबुल्ला के तेहरान में, हिजबुल्ला की जो टॉप ब्रांच है, दे हैव गॉट हाउसेस इन तेहरान में। सो दीज पीपल आर सपोर्टेड बाय these countries and they are used as geopolitical pawns. हम दो टके के YouTube वाले, हम सिखाएंगे foreign policy? बिल्कुल नहीं सिखा सकते, ठीक है। हम लोग वैभव औकात में रहे अपने, ठीक है, और हम किसी को भैया कुछ नहीं सिखा रहे। All we are saying is that देख लो यार, जो national interest में वो करना चाहिए, बाकी people know better. जैन दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस और मैं हूं वैभव। आज हमारे साथ है मेजर गौरव आर्या और हम बात करेंगे आज इसराइल के बारे में, लेकिन उसका थोड़ा एक दूसरे जाविये पे हम बात करेंगे कि जो पूरा का पूरा जो ये मसला चल रहा है उसमें जो इंडिया ने जो स्टैंड लिया है, वो गवर्नमेंट का स्टैंड, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में हो या डिप्लोमेटिक लेवल पे हो, उससे हम उससे मेजर साहब कितना एग्री करते हैं या उससे मेरा क्या ओपिनियन है, या इंडिया को, इंडिया ने जो पॉलिसी अपनाई है, ये जो पुरानी पॉलिसी है, ये क्या आप इसको बदलने की जरूरत है? सो वेलकम सर। Thank you very much, Ovo. Thank you for inviting me. So, first question is, ki, sir, how much do you agree जो इंडिया का जो स्टांस है, आप उससे कितना सहमत हैं, और अगर सहमत नहीं है तो क्यों नहीं सहमत हैं? देखिए वैभव, ये जो इंडिया का स्टांस है उसकी एक हिस्ट्री है, और हिस्ट्री ये है कि we have been traditionally aligned to Palestine. इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं, और इसराइल को भी हमने बहुत लेट एक्नॉलेज करा और अपना एम्बेसी बहुत लेट खोला वहाँ पे। तो इसके इसका एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है कि इंडिया शुरू से ही एक प्रो पैलेस्टीन पॉलिसी थी। उसके दो वजूहात हैं वैभव कि ऐसा क्यों था। पहली बात तो हम लोग जनरली, वाइल वी वर नॉन अलाइंड, हम लोग रशिया के साथ ज़्यादा मतलब हमारा जिसको कहते हैं कि वेपन सिस्टम्स और वगैरह ये सब लेना, सपोर्ट ज़्यादा रशिया का रहा था ट्रेडिशनली इंडिया का। फिर इंडिया जब लिबरलाइज हो गई इकोनॉमी तो फिर वेस्टर्न लुकिंग हो गई, फिर मार्केट इकोनॉमी हो गई, और उस समय सोवियत रशिया भी तब तक टूट चुका था और वो बन चुका था रशिया, सोवियत यूनियन टूट के रशिया बन चुका था। तो कहने की बात यह है कि इसका एक तो ये था, अमेरिका ने सपोर्ट करा इसराइल को, तो इसलिए जाहिर सी बात है कि सोवियत यूनियन सपोर्ट करती थी पैलेस्टीन को,
तो एक तो वो हो गया, दूसरी चीज हमने तो सोवियत यूनियन का रास्ता ले लिया, दूसरा एक ये भी कारण था कि यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस थे उनका हर समय ये था कि द मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अगर हम इसराइल के साथ हो जाते हैं तो उनको बहुत बुरा लगेगा, उनकी दिल आजारी होगी। ये मुझे लॉजिक कभी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमारे जो मुसलमान भाई बहन हैं उन्होंने उनमें से कई ऐसे हैं जो, और हिंदू भी हैं सिख भी हैं जो कभी इसराइल नहीं गए, तो नॉर्मल हम मुस्लिम की क्यों बात करें, नॉर्मल हिंदू है उससे मैप पे बता दो कि इसराइल कहाँ पे, उसको ढूंढने को नहीं मिलेगा इसराइल, है ना, कितना छोटा सा तो इसराइल है, पता नहीं कहाँ पे, किसी को पता ही नहीं होगा। हम आपको इसलिए पता है क्योंकि हम डेली यही काम करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी थिंकिंग थी कि साहब अगर इसराइल के साथ हम अपने रابطہ करते हैं, इसराइल के साथ हम अच्छे रिलेशनशिप करते हैं, तो क्या होगा कि फिर जो भारत के मुसलमान हैं वो बहुत अपसेट हो जाएंगे और उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और हम लोग कैसा क्यों कर रहे हैं। तो ये दो कारण थे। मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक अलाइनमेंट की बात है वैभव, हम जैसे क्वाड का हिस्सा है, इसका मतलब हमने एक ग्रुप चुन लिया ना, हमने ग्रुप चुन लिया। क्वाड का हिस्सा रशिया तो नहीं है, और रशिया अब वो सुपर पावर भी नहीं रहा, रशिया के पास फॉरेन एक्सचेंज की भी बहुत कमी है, रशिया का डिफेंस बजट इंडिया से कम है, रशिया पास पुराने जो वो नहीं कहते थे राजे महाराजा जो पुरानी अपनी जमीनें बेच बेच के काम, तो उनके पास पुराने वेपन्स पड़े हुए हैं, रशिया उसी को मैन्युफैक्चर करता रहता है, वो बेचता रहता है, ऐसी कोई उनकी खास ऐसी कोई इकोनॉमी अगर आप वेपन सिस्टम्स की हटा दें तो रशिया का ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा रशिया तीर मार रहा हो उनका। ठीक है, जमीन बहुत है, लोग बहुत कम है, तो ये बहुत बड़ा फायदा है। इंडिया में क्या, जमीन कम है, लोग बहुत ज्यादा है, तो हमारा लोड बहुत है लोगों का। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इट्स नाउ टाइम टू मे बी रिविजिट द पॉलिसी। मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकार की पॉलिसी बिल्कुल गलत है, लेकिन आई थिंक इट्स टाइम टू रिविजिट द पॉलिसी। क्यों? पहली वजह यह है कि इसराइल हर समय भारत का दोस्त रहा है, ठीक है, चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे भारत का वोट हो किसी भी मामले में यूनाइटेड नेशंस में, या किसी भी मुल्क से पूछें कि भाई, और इसराइल से पूछें कि भाई भारत को परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल होना चाहिए कि नहीं, इसराइल का आंख बंद करके, जिसको हिंदी में कहते हैं ना अंधा सपोर्ट है इसराइल का, जिसको हम लोग जिस तरीके यूपी में बोलते हैं अंधा सपोर्ट है, अंधा, इसराइल कभी नहीं पूछता, इसराइल कहता भारत है तो ठप्पा लगाओ मोर लगाओ आगे बढ़ो, इसराइल का ये। दूसरी चीज, बहुत कम लोगों को पता है कि 1971 वॉर में इसराइल ने हमारी मदद करी थी, ये एक बड़ी बात है जो हमें याद करना चाहिए। कारगिल में जो लेजर गाइडेड बॉम्ब्स थे, जो हमने ये टाइगर हिल और इन सब की ना मशको घाटी जहां पे भी जो भी दीगर जो हिल टॉप्स थे या माउंटेन टॉप्स थे जहां पे हमने बॉम्बिंग करी थी, आई डोंट नो मशको में हुई थी कि नहीं, लेकिन टाइगर हिल पे डेफिनेटली बॉम्बिंग हुई थी, या और भी जगह हुई थी जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग्स हुई थी, वो लेजर गाइडेड पूरी टेक्नोलॉजी इसराइल की थी काफी हद तक बॉम्ब्स इसमें। तीसरी चीज, जो बालाकोट की बॉम्बिंग हुई थी, स्पाइस 2000 जो बॉम्ब्स यूज करे थे वैभव, दोज बॉम्ब्स वर इसराइली, दोज आर इसराइली वेपन सिस्टम्स विच वी हैव यूज्ड, जो जैश मोहम्मद के खिलाफ हमने बॉम्बिंग करी थी बालाकोट में। तो कहने की बात यह है कि इसराइल ने हर समय भारत का ब्लाइंड सपोर्ट करा है, लेकिन जब हमारी बारी आती है सपोर्ट करने की, तो वी वॉन्ट टू ऑलवेज गिव अ मैच्योर रिस्पॉन्स। एक तो हम लोगों को इवन एज अ कंट्री, मैं सरकार की बात नहीं करूंगा, आम लोगों की बात करूँ, हमारे यहाँ मेच्योरिटी का बहुत कीड़ा है, बहुत बड़ा कीड़ा है हमारे यहाँ, बहुत माना जाता है कि किसी ने आपको चार थप्पड़ मारे और आपने उसको जवाब नहीं दिया तो आप देखिए कितना मैच्योर आदमी है। मुझे नहीं लगता है मैच्योरिटी है, मुझे नहीं लगता है मैच्योरिटी है। आपको साइड कभी ना कभी लेनी पड़ेगी, आपको कभी ना कभी सामने आना पड़ेगा, फेंस सिटिंग बहुत ज्यादा होगी। दूसरी चीज, आप बाकी चीज छोड़ दीजिए ना, आप कश्मीर के मामले में मैं ये जानना चाहता हूं कि पैलेस्टीन कहां खड़ा है, पैलेस्टीन का ऑफिशियल स्टैंड क्या है। नॉट दैट कि हमें कुछ फर्क पड़ता है कि पैलेस्टीन का स्टैंड क्या होगा, ठीक है, पूरा पाव भर का पैलेस्टीन 250 ग्राम का, लेकिन हम फिर भी जानना चाहते हैं कि पैलेस्टीन का स्टैंड क्या है। तो इंडिया में एक अजीब सी 250 ग्राम अभी एक कैफियत सी हो रही है, अजीब सा एक लोगों के बीच में है कि वी स्टैंड विद पैलेस्टीन। अरे इवन इंडिया स्टैंड विद पैलेस्टीन, इवन द इजरायली स्टैंड विद पैलेस्टीन। लड़ाई तो इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में है ही नहीं, लड़ाई तो इसराइल और हमास के बीच में, हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसलिए तो आपने देखा कि जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है पैलेस्टीन का, महमूद अब्बास आई थिंक हिज नेम इज, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ही हैज नॉट मेड एनी कमेंट अगेंस्ट इजराइल। उसने तो कोई ऐसी बात नहीं करी इजराइल के खिलाफ, वो तो रमाला में बैठा है, खुश है, कह रहा ठोको इनको हमास वालों को, वो तो बहुत ही खुश है वहां पे, उसने ये नहीं बोला ठोको, लेकिन अगर आप बोल दे रहे तो उसका मतलब आप अग्री कर रहे हैं जो इसराइल कर रहा है। तो ये मेरा कहना है कि कहीं ना कहीं इंडिया को शायद रीलुक करने की अब जरूरत है, क्योंकि आप ऑलरेडी नॉन अलाइनमेंट से बहुत दूर जा चुके हैं, यू आर अ मेंबर ऑफ द क्वाड, आपने वेस्टर्न पावर्स के साथ मिलकर चाइना को सबक सिखाने का एक
बीड़ा आपने उठा लिया है, आपने उसमें पैसे डाल दिए, आपने लोग डाल दिया, आपने अपनी डिप्लोमेटिक इक्विटी डाल दी, तो आई थिंक यहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ आपको बात करनी पड़ेगी। सर अक्सर ये बात होती है, और आपने जैसे कि 1971 वॉर का जिक्र किया, तो उस समय जब गोल्डा मेयर जो प्राइम मिनिस्टर थी इसराइल की, उन्होंने इंदिरा गांधी को मैसेज भी भिजवाया था जब उनको रिक्वेस्ट मिली थी कि इंडिया ने रिक्वेस्ट की है आर्म्स एंड एम्युनिशंस के लिए, उनके पास नहीं है और शॉर्टेज हो गई है, और अमेरिका ने दुनिया भर के सैंक्शंस लगा रखे थे, और वो सेवेंथ फ्लीट चल रही थी अमेरिका के, यूएस नेवी की, और दुनिया भर की कहानियां चल रही थी, तो उस समय इंडिया वॉज रियली डेस्परेट। वो एक्चुअली इंडिया का एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया था, अगर उस समय का सोवियत यूनियन और इसराइल आपकी हेल्प नहीं करते तो एक्चुअली इट वुड हैव बीन एन एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम फॉर इंडिया। लेकिन सर एक उस समय गोल्डा मेयर ने भी ये चीज मैसेज भिजवाया था इंदिरा गांधी को कि जस्ट टेल इंदिरा गांधी टू रिमेंबर व्हाट वी हैव डन फॉर हर, ठीक है, शी डिड नॉट आस्क फॉर एनीथिंग। उन्होंने गोल्डा मेयर ने कुछ मांगा नहीं था इंडिया से, उन्होंने कहा जस्ट टेल हर टू रिमेंबर व्हाट वी हैव डन फॉर हर, हमने उनके लिए क्या किया उनसे बोलना याद रखेंगे इस चीज को। तो सर लेकिन आज हमको ये सिखाया जाता है जब हम इस तरह की बातें करते हैं कि भाई इंडिया को, भाई आप ऑक्सीजन तो फ्रंट से ले रहे हो, सामने से ले रहे हो, सारे सारे आर्म्स एंड एम्युनिशन सामने से ले रहे हो, तो ये जो है कि नहीं, हम सपोर्ट तो सबको पता है कौन किसको कर रहा है, मतलब सबको सामने से ले रहे हो, सपोर्ट भी सामने से दो ना, सपोर्ट पीछे से क्यों देंगे हम। So, ये जो apologetic किस्म की diplomacy है, has it done any good for us? इसने कोई भला किया हमारे देश का? नहीं, बस हमें ये एक मैच्योर बॉय का एक स्टिकर चाहिए कि ये जो लड़का है, ये बच्चे हैं क्लास में, 50-25 क्लास में पढ़ते हैं, इसमें सबसे मैच्योर ये बच्चा है, ये ज्यादा करता कुर्ता कुछ नहीं है भाई, ये मैच्योर है, वो पता नहीं जैसे एक आम का अचार होता है ना जो पक पक के मैच्योर हो जाता है, तो मैच्योर है बस बच्चा, ये बस यही है क्वालिफिकेशन भैया, मैच्योर है। और जब आप गोल्डा मेयर की बात कर रहे हैं ना, वेरी इंटरेस्टिंग, आपको पता है जब इसराइल ने हमें बिना शर्तों के हमारी मदद करी थी वैभव, तब इंडिया ने इसराइल को डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन नहीं दिया था, हम इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, पता नहीं क्यों नहीं करते थे, पता नहीं क्या दिमाग में हमारे कीड़े थे, पर हम इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, और जब हमने इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करा तब जाके इसराइल ने हमारे लिए ये सब काम करा, कारगिल में, कहीं पर भी आप एक्स वाई जेड देख लीजिए। तो मुझे लगता है कि सामने आना चाहिए, सामने खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपको करना पड़ेगा एक ना एक दिन, क्योंकि अब वो दुनिया नहीं रह गई। आप देखिए आज पैलेस्टीन के हक में कौन खड़े हैं, ईरान खड़ा है जो कहता है कि किल ऑल द जूस, ठीक है, राइट, उसके अलावा आप देखिए पाकिस्तान खड़ा है, तुर्की खड़ा है, आपके लिए अगर आप कश्मीर को एक मापदंड माने, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको कश्मीर को, आप ये देखिए कि आपके साथ कश्मीर में कौन खड़ा और कौन आपके खिलाफ, क्योंकि भाई कश्मीर में सबसे ज्यादा तो कुर्बानी आपने दी हैं, कश्मीर में 42,000 आपके शहरी जो हैं शहीद हो गए कश्मीर में, उनकी जाने चली गई, 42,000 अकॉर्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट जो उन्होंने 2019 में दिया था आफ्टर द 370 एंड 35 वेवर एब्रोगेटेड, उन्होंने बोला था कि साहब ये हो गया है, उसके आसपास एक दो दिन के आसपास उन्होंने बोला था कि 42,000 हमारी जाने गई है, फिर आप बताइए 42,000 जहां पे हिंदुस्तानियों ने अपनी जाने दी हैं, उस मसले को कौन सपोर्ट करता है? क्या ईरान आपको सपोर्ट करता है, तुर्की आपको सपोर्ट करता है, पाकिस्तान आपको सपोर्ट करता है, या इसराइल आपको सपोर्ट करता है? तो आप देख लीजिए इसराइल आपको, जिसको वही बात मैं कह रहा हूं, आपको अंधा सपोर्ट कर रहा है, और आप यू आर सो फिक्सेटेड विद बीइंग मैच्योर, आपको मैच्योरिटी चाहिए, पीपल शुड से दैट वी आर सच अ मैच्योर नेशन, काम उसमें ढेले भर का नहीं होगा लेकिन वी आर मैच्योर पीपल, तो ये आई डोंट अग्री विद दिस पार्ट। सर इसमें एक चीज ये भी है कि इसमें एक काउंटर आर्गुमेंट आता है जो कि आजकल सोशल मीडिया पे भी चला हुआ है, इट इज लाफेबल, एक्चुअली लाफेबल, बट स्टिल कुछ लोगों का मानना है कि भाई आप ये देखिए कि बहुत सारी कंट्रीज ने, अरब कंट्रीज ने जो है कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया हुआ है प्राइम मिनिस्टर को, आप ये देखिए कि हमारा दुनिया, हमारा जो ऑयल है, ऑयल की सप्लाई हमारी जो है वो मिडिल ईस्ट से आती है, यही अरब कंट्रीज देती हैं, आप ये देखिए कि इंडिया का जो वर्क फोर्स है बहुत सारा वो वहां पे काम करता है, वो फॉरेन रेमिटेंसेस भेजता है। तो सर आपको लगता है कि अगर इंडिया यूनाइटेड नेशंस में हमास को क्रिटिसाइज कर देता है और कहता है कि हमास जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, और हमास को नाम लेकर के कहता है इट्स अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आप सपोज कीजिए कि कल को इसराइल कहता है कि भाई जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के लिए होगा, हमारे लिए नहीं है, ठीक है, जब हम कंडेम करेंगे यूनाइटेड नेशंस में तो हम जैश ए मोहम्मद का या लश्कर ए तैयबा का नाम नहीं लेंगे, हम ये कहेंगे कि भाई हम हर तरह की हिंसा का विरोध करते हैं और दोनों साइड को डिस्केलेट करना चाहिए,
इंडियंस का रिएक्शन क्या होगा? क्या यही रिएक्शन होगा जो आज हमको वो समझा रहे हैं? अगर ये चीज अगर इजरायली आपको समझाएंगे तो आप समझ जाएंगे, पहली चीज। और दूसरा सर, अगर इंडिया अपोज कर भी देता है, नाम ले लेता है हमास का, और इंडिया सपोर्ट देता है इसराइल को, कहता है नहीं वी आर विद इसराइल, ठीक है हमारा जो सपोर्ट है वो पूरी तरह इसराइल को है, बिकॉज इसराइल हैज अ राइट टू सेल्फ डिफेंस। भाई बाइडेन ने क्या बोला? बाइडेन ने ये थोड़ी कहा था कि जो इसराइल हमले कर रहा है वो सही कर रहा है, उन्होंने डिप्लोमेटिकली यही कहा कि इसराइल हैज अ राइट टू सेल्फ डिफेंस और हम उसका सपोर्ट करते हैं। आप भी बोल देते क्या जा रहा था इतना बोलने में, बट हमने नहीं बोला। अगर हम बोल देते तो क्या जितने काम करने वाले हैं अरब कंट्रीज में उन सबको वापस भेज दिया जाता, ठीक है? क्या अगर हम बोल देते तो जितने भी ये सीईओज हैं, जनरल मैनेजर्स हैं, बिकॉज हम पाकिस्तानी तो नहीं है, हमारा जो डायस्पोरा है अरब कंट्रीज में वो पाकिस्तानियों की तरह ड्रग स्मगलिंग और रिक्शा चलाने का काम और माल ढोने का काम तो नहीं करता है, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ आवर वर्कफोर्स इन द मिडिल ईस्ट आर पीपल हु आर वर्कर्स इन द ऑयल कंपनीज एंड अदर जो सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर उनमें है। तो आपको लगता है कि वो सर्वाइव कर सकते हैं बिना इंडियंस के? नहीं, मुझे तो लगता है ये बहस ही बेकार है, क्योंकि देखिए बात ये होती है ना कि ये बाइनरी रिलेशनशिप नहीं होती। जब भी हम फॉरेन अफेयर्स की बात करते हैं, दीज रिलेशनशिप्स आर नॉट बाइनरी। हमने कभी ये थोड़ा ना बोला है कि हम अरब वर्ल्ड के खिलाफ हैं। नोबडी, नीदर आई, नीदर यू, नीदर द प्राइम मिनिस्टर नॉर एनी अदर इंडियन हैज सेड कि हम अरब वर्ल्ड के खिलाफ हैं। हम कह रहे हैं हम हमास के खिलाफ हैं। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हम उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ है, सिंपल सी बात है। तो जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को हाईएस्ट अवार्ड दिया है, वो भाई हमास ने थोड़ा ना दिया है। मोदी जी को जो अवार्ड दिया हमास ने कोई दिया है? मोदी जी को जो अवार्ड दिया है राइट, वो तो दिया है, आप कतर ले लीजिए, सऊदी अरब ले लीजिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के और दीगर मुल्कों ने दिया है, आई थिंक बहरान ने भी दिया है। तो मेरा ये कहना है कि हम तो बात ही नहीं कर रहे भाई अरब मुल्कों की, हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ की सिंपल सी बात है। देखो हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको अमेरिका और आधे दर्जन और मुल्कों ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा है, ठीक है, क्लियर। हमास ने बिना प्रोवोकेशन के इसराइल के ऊपर रॉकेट्स दागे, ठीक है। अब इसराइल के ऊपर रॉकेट्स दागे और रॉकेट्स दागने के बाद इसराइल ने जब जवाब दिया तो अब वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं और अब इसको एक मुस्लिम और जू इशू बनाया जा रहा है, ठीक है। जैसे इंडिया में आज बड़ी बढ़िया बात हो गई भाई, डिबेट पे वैभव डिबेट पे बैठे थे तो वहां पे एक पैनलिस्ट ने आज बोल दिया कि आप लोग इसराइल का साथ इसलिए दे रहे हैं बिकॉज यू आर एंटी मुस्लिम। आप समझ रहे हैं, आज एक्चुअली बोल दिया एक ने भाई ने कि आप इसलिए इसराइल का साथ दे रहे हैं बिकॉज यू आर एंटी मुस्लिम। ना हम कहां से एंटी मुस्लिम हो गए भाई, एंड व्हाई शुड वी बी, हमारा लेना क्या देना है इस चीज से। लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमास एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, फिर वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इंडियंस की बात कर रहा हूं, दे आर सपोर्टिंग हमास सेइंग दैट कि भाई कोई ना, ये लोग हिफाजत करते हैं पैलेस्टीनियंस की। इसलिए कल आप बोलेंगे कि जो लश्कर ए तैयबा पाकिस्तानियों की हिफाजत करती है। दिस इज द काइंड ऑफ लॉजिक दैट इज बीइंग थ्रोन अबाउट। तो कोई लड़ाई अरब देशों के साथ नहीं है, कोई लड़ाई हमारी किसी और कंट्री के साथ नहीं है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे जू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बुद्धिस्ट हो। हमारा सिर्फ ये कहना है कि ऑल टेररिज्म मस्ट बी कंडेम्ड, ठीक है। इंडिया का ये स्टैंड होना चाहिए कि जैसे जैश मोहम्मद है, जैसे लश्कर ए तैयबा है, वैसे हमास है, वैसे हिजबुल्ला है, और सबके साथ एक किस्म का सलूक करना चाहिए। एंड आई कैन से फॉर द रिकॉर्ड आई स्टैंड सॉलिडली विद इसराइल, आई स्टैंड सॉलिडली विद इसराइल। आई टेल यू व्हाई वैभव, इसराइल जो जबान बोलता है ना, हम लोग तो मेजोरिटी में, हम तो मेच्योर है ना बहुत, हम तो नहीं करते। इसराइल कहता है यार तुम अपनी मेजोरिटी देखो, संभाल के रखो जेब में, हम वही जबान बोलेंगे जो जबान हमास या हिजबुल्ला समझता है, और इसराइल वही जबान समझाता है, उसी जबान में बोलता है। टू स्पीक टू द पीपल इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड, उनको पता है, उनको पता है ये जूते के यार हैं, ये प्यार से नहीं मानेंगे। हम लोग थोड़ा सा कि आओ बेटा बैठो, क्या खाओगे, अब बताओ क्या दिक्कत है। इसराइल कहता है मार मार के इसको सुअर बना दो, क्या दिक्कत है, बाद की बात, बाद में देखेंगे। तो इट्स ओके, उनको पता है क्या भाषा किससे बात करनी है। और जब अच्छे लोगों से बात करते हैं वो लोग, दे आर वेरी पोलाइट। नेतन्याहू इज अ जेंटलमैन व्हेन ही स्पीकिंग टू अदर हेड्स ऑफ स्टेट, सिर्फ उसका तब थोड़ी सी गिर्री फिर जाती है उसकी जब व्हेन ही स्पीकिंग अबाउट हमास एंड ऑल दैट, अदरवाइज इट्स ऑल नॉर्मल, इट्स ओके यार, आई टोटली सपोर्ट इजराइल टोटली। सर मेरा सर जो सवाल था सर वो भी यही था कि ये जो आर्गुमेंट है कि अगर हम हमास को अपोज कर देते हैं या हम हमास को क्रिटिसाइज करते हैं और हम इसराइल का ओपन सपोर्ट करते हैं डिप्लोमेटिकली यूनाइटेड नेशंस में करते हैं, तो उसकी वजह से ये जो
सो गाइस, ये वीडियो है और इस वीडियो में इन्होंने बात की है। मेजर गौरव आर्या जी कह रहे हैं कि इसराइल को इंडिया जो सपोर्ट नहीं कर रहा, तो मतलब कि क्यों नहीं कर रहा, करना चाहिए और सबके सामने करना चाहिए। और ये मतलब कि इसराइल जो है उसने इंडिया की बहुत हेल्प की है, जब इंडिया के जंग वगैरह हो रही थी दूसरी कंट्रीज़ के साथ, तो उस वक्त किसने हेल्प की? इसराइल ने की। और जो कि और मैंने ये नॉर्मली देखा भी है कि भारत में जो है वो हैशटैग भी इसराइल को सपोर्ट करने का ही चलाया गया है ऑन ट्विटर, सोशल मीडिया एंड हर जगह पर। लेकिन फिर अचानक से एक स्टेटमेंट आती है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम फ़िलिस्तीन को जो है वो सपोर्ट करते हैं, और फिर इसराइल जो है वो गलत कर रहा है। तो उसके ऊपर जो है वो फिर काफ़ी बवाल बच गया कि गवर्नमेंट ने ये कैसे कह दिया कि इस तरह से होगा और लाइक फ़िलिस्तीन को ये सपोर्ट करते हैं, जबकि हम तो इसराइल को करते हैं। लेकिन वही बात आ जाती है कि लोग तो सपोर्ट करते हैं, इवन दो गवर्नमेंट भी मुझे लगता है कि सपोर्ट करती है, लेकिन बात वही आ जाती है कि इनके मामलात ऐसे चल रहे हैं कश्मीर के और बहुत सारी चीज़ों के, जिसकी वजह से ये लोग ख़ुद भी अभी शायद सोच रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ मतलब सोच समझ कर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कहीं गले फिक्स ना हो जाए। और दूसरी बात यह है कि इसराइल जो है ये सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई है, लेकिन वही है कि मेजर साहब कहते हैं कि इन्होंने जो है वो काफ़ी मेहनत की है, और मतलब कि इसराइल को जब भारत नहीं मानता था तब भी इसराइल को हेल्प की है, इसराइल ने हेल्प की है पाकिस्तान की, सॉरी पाकिस्तान की कह रही हूँ, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जब जंग हो रही थी भारत की, तो भारत की हेल्प की गई थी कारगिल वॉर में और दूसरी वॉर्स में, आई थिंक 1947 में भी माइट भी हुई है, आई एम नॉट प्रीटी श्योर, लेकिन कारगिल का तो नाम लिया है इसमें उन्होंने। बस यही बात आ जाती है कि अब जो है सारा ही सब कुछ पॉलिटिक्स का गेम चल रहा है, तो इसमें अभी हम ये नहीं कह सकते कि क्यों कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है, बस सब लोग अपना अपना ही देख रहे हैं कि अब कौन किसको क्या फ़ायदा होता है। वैसे ही जैसे कि देखें ना, यूएसए जो है उन्होंने क्या किया, वहाँ की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, मतलब वहाँ के जो क्वींस वगैरह हैं और प्रिंस वगैरह, उन लोगों को वो लोग चाहें तो वो लोग भी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं उन लोगों में मामलात को सॉर्ट आउट कराने की, लेकिन वो भी अपने पत्ते फेंक रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं सारे इसको, जैसे कि मूवी कोई चल रही होती है, तो ये मैं खान सर की मूवी वीडियो में भी देख रही थी कि उसमें भी वो भी इसी बात पे ही बोल रहे थे कि देखो ये लोग चाहें तो एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल कि सब कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन वो जो है कुछ करने को तैयार नहीं है, और जो भी है वो सारे मामलात को जो है ये लोग तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि इनको तो प्रॉफिट हो रहा है, इनको इनसे फ़ायदा है क्योंकि इनकी तो चीज़ें सेल हो रही हैं, तो ये सारे मामलात। लेकिन बात वही आ जाती है कि हमास के साथ इनका मसला है, इसराइल का फ़िलिस्तीनियन के साथ नहीं है, लेकिन वही है कि कब्ज़ा, मेरे ख्याल से ये तो कब्ज़ा करने के चक्करों में है इसराइल, और जिसकी वजह से ये सारी आवाम भी जो है वो इस वक्त मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी है और टॉर्चर भी हुई भी है, जैसे कि इसराइल ने अल जज़ीरा का जो है वो बिल्डिंग भी गिरा दी है। तो ये सारी चीज़ों को देखकर आप आइडिया हो जाना चाहिए कि इसराइल जो है वो सब कुछ कर सकता है, और इसराइल करने से पहले सोचता नहीं और करने के बाद फिर वो टेंशन लेता नहीं है, बस वो लोगों को टेंशन देता है, मतलब कि फिर वो बाद में बात की बाद में ही देखता है और मामला जो है ना वो पहले ही क्लियर कर देता है, मतलब सफाई कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अभी पाकिस्तान, तुर्की और ईरान जो है वो हेल्प तो कर रहा है फ़िलिस्तीन की, मतलब बोला तो है इन्होंने और सपोर्ट भी कर रहे हैं, सुना है कि वहाँ पर जा भी रहे हैं हेल्प करने के लिए, चीज़ें वगैरह भेज रहे हैं, माइट भी हो सकता है कि ये उनकी हेल्प कर पाएँ, बट वही बात है, न्यूज़ पर बैठ कर बोलना और जाकर करना बहुत बड़ी बात होती है, देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन डू और से, ठीक है, कहने में और करने में बहुत फ़र्क है। सो बस अभी तो हम लोग देख ही रहे हैं, इनकी बातें सुन ही रहे हैं, बाकी आने वाले वक्त में देखते हैं कि क्या होता है। बाकी गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, और यही कहूँगी कि सब अपनी गेम खेल रहे हैं, सबको ही अपना अपना फ़ायदा देखना है,
इसलिए सब लोग ऐसे मुझे तो लगता है जैसे कि सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे क्रिकेट मैच खेल रहे होते हैं पाकिस्तान इंडिया का, और उसमें आकर बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते हैं, दूसरा बोल रहा है कि हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं, बस ये वाला मामला मुझे लग रहे हैं देखकर। और सब लोग इंटरटेनमेंट ले रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं बस, और जाने उन लोगों की जा रही हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बजाय इसके कि हम सपोर्ट करें कि हाँ वो सही है वो सही है, हमें ये कहना चाहिए कि दोनों के बीच में मामलात को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन वही बात है कि इसमें अभी तक ऐसा कुछ हो नहीं रहा, और माइट भी रीज़न ये भी हो सकता है कि लोग ज़्यादातर जो हैं वो इसराइल को इसलिए भी सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इसराइल जो है, इसराइल ने हेल्प किया था भारत को, और इसलिए भी शायद इंडियन लोग जो हैं वो माइट बी हो सकता है कि वो लोग इसलिए भी उनको सपोर्ट कर रहे हों। बट मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे ना जहाँ तक आइडिया हो रहा है सारी बातें सुनने के बाद, मुझे तो यही लग रहा है। बाकी यही है कि हम पार्ट टू भी बनाएंगे, पार्ट टू में देखेंगे कि पार्ट टू में ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि पार्ट वन में तो काफ़ी चीज़ें इन्होंने बताई हैं, लेकिन मेन चीज़ें जो हैं वो पार्ट टू में होंगी। तो यकीनन पार्ट टू देखेंगे तो उसमें हमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो समझ आएंगी। सो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको पार्ट टू देखना है, चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उस पर भी हम लोग फिर वो वीडियो भी लेकर आएंगे कमेंट रीड करने के बाद। सो खैर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा, प्लीज़ बाय।